गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. फ्रेंड्स, आज आपका चैप्टर 2 है द किंग एंड द टैमरिंड्रम. इसमें क्या होता है कि एक बार क्या होता है कि एक किंग होता है सेंट्रल इंडिया का. वो बहुत हैंडसम होता है, पर उसे अपनी हैंडसमनेस पर बहुत प्राउड होता है. तो वो हमेशा मिरर्स में या पूल्स में, वाटर में, या दूसरे पीपल्स की आइस में, जब वो बोलते थे, उसके साथ बातें करते थे, उनकी आइस में देखता रहता था खुद को. वो कहता था कि मैं इतना हैंडसम किंग हूँ, अर्थ का सबसे हैंडसम किंग हूँ. तो वो अपने मतलब किंगडम की तरफ इतना ध्यान नहीं देता था, तो जिसकी वजह से उसके जो थे मतलब जो वहाँ की जनता थी वो हमेशा सैड रहती थी. तो आगे क्या हुआ कि एक दिन वो ना अपने दरबार में डिंगे हाँकने लगा कि मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, मैं गॉड से भी ज़्यादा हैंडसम हूँ, तो मेरे जितना हैंडसम कोई और हो नहीं सकता. तो अनफॉर्चुनेटली जब ये किंग बोल रहा था तो गॉड वहाँ से फ्लाई कर रहे थे. फ्लाई करते हुए उन्होंने ये बात सुन ली किंग की, तो वो बहुत नाराज़ हुए. तो उन्होंने कहा कि इस किंग के साथ कुछ करना पड़ेगा. तो उन्होंने उसे एक पनिशमेंट देने की सोची. तो उनकी आईज़ जो थी, गॉड की आईज़, एक बुल के ऊपर गई. फिर उन्होंने कहा क्यों ना इस राजे को के सिर के ऊपर हॉर्न्स उगा दिए जाए. गॉड ने अपने हैंड्स के साथ क्लैप्ड किया और खुशी से मतलब मुस्कुराए. तो फिर कहते अब देखते हैं कि ये कैसे हैंडसम लगता है हॉर्न्स के साथ. जब किंग अगली मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग उठा अपनी नॉर्मल रूटीन के साथ, तो उसकी रूटीन थी कि वो जब भी उठता था तो वो सबसे पहले अपने खुद को मिरर में देखता था. जब उसने नेक्स्ट इस बार मिरर में देखा तो उसने देखा कि उसके सिर पे हॉर्न्स आ गए हैं. तो वो मतलब इतना शॉक्ड हुआ, तो उसने ना अपने सिर पर पिल्लो रख लिया सडनली. तो मतलब जब उसने मिरर में देखा तो वो ज़ोर से चिल्लाया. तो उसके जो गार्ड्स बाहर खड़े होते थे उसके मतलब रूम के बाहर, तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के वो अंदर आने लगे. तो उसने उनको रोक दिया. वो कहते बाहर चले जाओ तुम, मैं मतलब तुम बिल्कुल मेरे कमरे में नहीं आना. तो फिर उसने किंग ने कहा कि जो हमारा यहाँ का बार्बर है, रॉयल बार्बर है, उसको बुलाया जाए. तो उन्होंने बार्बर को बुलाया. जो बार्बर था वो बहुत रूड था और बातू नहीं था, जैसे कह लो कि उसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी. उसे जल्दी से बुलाया गया. तो वो कहता कि मैजेस्टी, आज आप जल्दी कैसे उठ गए. तो फिर किंग कहता पहले तुम बात करना बंद करो और मेरे बेड के पास आओ. तो बार्बर सरप्राइज्ड होकर आया उनके पास. तो वो कहता, राजा कहता कि मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, पर ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे. अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हें पनिश किया जाएगा. तो जब राजा ने मतलब अपना पिल्लो सर से हटाया तो बार्बर जो था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और क्लैपिंग करने लगा. तो किंग जो था उसने कहा कि तुम चुप करो. कहता कि मेरे मतलब ये हॉर्न्स का कुछ करो. तो फिर बार्बर ने उसके मतलब हेयर्स को खींचा और मतलब उसके हॉर्न्स को ढका, पर वो अच्छे पूरी तरह से ढक नहीं पाए. तो बाकी के जो हॉर्न्स रह गए थे उसने नाइट कैप पहन ली फिर उसने किंग ने. तो फिर क्या हुआ, उसने कहा कि बार्बर को कि अब तुम चले जाओ. तो अगर तुमने पैलेस में किसी को भी ये बात बताई या और किसी को भी, तो तुम्हें पनिश किया जाएगा और तुम्हें फांसी दे दी जाएगी. तो तुम ये किसी को नहीं बताओगे. तो वो चला गया. तो वो कहता कि मैं मर जाऊँगा अगर मैं किसी को नहीं बताऊँगा. तो मेरा स्टमक तो वैसे ही दर्द होने लग पड़ेगा ये सीक्रेट अपने अंदर छुपाए हुए. तो उसने जाते जाते वहाँ एक टैमरिंड ट्री था, तो उस वहाँ पे सारी बात जो हुई थी उसके मतलब राजा के साथ उसने उस ट्री को बता दी. तो उस रात बहुत तेज़ आंधी आई, स्टॉर्म आया, तो उसके साथ जो टैमरिंड ट्री था वो गिर गया. तो किंग को बताया गया कि अब इसका क्या किया जाए.
तो किंग ने मतलब अपने कमरे में से ही कहा कि इसको मतलब म्यूजिशियन को दे दिया जाए कि इसका ड्रम बना ले, इस ट्री का ड्रम बना लिया जाए और रॉयल म्यूजिशियन को दे दिया जाए। तो फिर जब इसका ड्रम बन जाएगा तो मेरे डोर के बाहर तुम बजा दिया करना। जब ड्रम बना टैमरिंड वुड से रेडी हो गया तो कोर्टियर्स ने मतलब किंग के मतलब बार मतलब रॉयल म्यूजिशियन को दे दिया। जब वो प्ले करने लगा सभी ने यही सोचा था कि धम 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 की आवाज़ आएगी ड्रम से, पर उसकी जगह टैमरिंड ड्रम मतलब गाना गाने लगा। राजा वाज हॉर्न्स ऑन हिज हेड की राजा के सिर पे है सींग है, राजा के सिर पे सींग है। तो ऐसे सभी दरबारी जो थे या वहाँ के जो भी थे सभी हंसने लगे। राजा को गुस्सा आ गया तो वो वहाँ से भाग गया और वो फॉरेस्ट में चला गया। तो वहाँ क्या हुआ कि उसने वहाँ देखा कि मेरे से भी ज़्यादा और भी मतलब बहुत कुछ है जो सुंदर है, अकेला मैं ही नहीं सुंदर। उसने देखा कि यहाँ पे मतलब कितना मतलब यहाँ की ब्यूटी कितनी अच्छी है फॉरेस्ट में। तो उसने वैसे बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। तो उसके बाद उसने मतलब उसको एहसास हुआ कि वो कितना गलत सोचता था कि वो ही सबसे ज़्यादा सुंदर है, बल्कि नेचुरल चीज़ें भी बहुत सुंदर हैं, नेचर की ब्यूटी जो है वो बहुत अच्छी है। तब उसने भगवान से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मेरे जो हॉर्न्स हैं उसे हटा दीजिए। और फिर क्या हुआ कि गॉड ने अपना हाथ हिलाया और उसके हॉर्न्स जो थे वो हट गए। जब अगली मॉर्निंग वो मतलब फॉरेस्ट में पानी पीने लगा पूल में से, तो उसने अपने हैंड्स में रिफ्लेक्शन देखी कि उसका जो फेस थिन था, ब्राउन था, मतलब पहले जैसा हो गया था और उसके हॉर्न्स भी हट चुके थे और वो सरप्राइज हो गया। फिर उसके जो मतलब हॉर्स राइडर्स थे वो आए वहाँ पे, कोर्टियर्स आए और कहते कि हमें प्लीज़ माफ़ कर दो और आप दोबारा वापस राज दरबार में चलो, वहाँ पर आपकी ज़रूरत है। तो वो दोबारा राजा वापस आ गया और अब वो एकदम चेंज हो चुका था और जो बार्बर था वो उसको उसकी जॉब से निकाल दिया था। सो स्टूडेंट्स, आपके स्टोरी में ये था, आपने इसे अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू।